दोस्तों, अगर आप भी समांथा रुथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांथा रुथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांथा वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायणु और स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी समांतर रुथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांतर रुथ प्रभु, वर लक्ष्मी, शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांता वरलक्ष्मी, शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के
के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी समांतर रुद्र प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांतर रुद्र प्रभु, वर लक्ष्मी, शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरिमा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांता व लक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी समांता रुथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो।
इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांतर रूथ प्रभु, वर लक्ष्मी, शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरिमा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांता वरलक्ष्मी, शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी समांतर रूथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में।
तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांतर रूथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरिमा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांता वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी समांथा रुथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको समांथा रुथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरत कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरिमा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांथा वरलक्ष्मी शरत कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी समांथा रुथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांथा रुथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरिमा आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना,
इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समानता व लक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी समांतर रुद्र प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से 69%
फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांतर रूथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित, समांता वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी समांतर रूथ प्रभु की मच चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा।
इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांतर रूथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित। समांता वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी।
दोस्तों यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी समांतर रुद्र प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट की हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांतर रुद्र प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांता वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी समांथा रुथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांथा रुथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांथा वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म
11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी समांथा रुथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको समांथा रुथ प्रभु, वर लक्ष्मी, शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा,
मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांता वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी समांता रुथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांथा रूथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांथा वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी समांथा रूथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में, तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकार की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांथा रूथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांथा वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी समांतर रुथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांतर रूत प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित। समांता वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म
11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी समांथा रुथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट की हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट की हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको समांथा रुथ प्रभु, वर लक्ष्मी, शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा,
मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांता वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी समांता रुथ प्रभु की मच अवेटेड मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको सामंता रूथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरत कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्री पदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्णा प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समानता वरलक्ष्मी शरत कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायणु और स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप ओटीटी के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको ओटीटी के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
दोस्तों अगर आप भी समांथा रूथ प्रभु की मच चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांथा रूथ प्रभु, वर लक्ष्मी, शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांथा वरलक्ष्मी, शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायणु स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना,
यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी समांथा रुथ प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांथा रुथ प्रभु, वर लक्ष्मी, शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांथा वरलक्ष्मी, शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के
के रामायणु स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी समांतर रूत प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में YouTube पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDb रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांतर रूत प्रभु, वर लक्ष्मी, शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांता वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायणु स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी समांता रूत प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो।
इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको समांतर रूथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांता वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायणु स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है, तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी समांतर रूथ प्रभु की मच चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो, तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में।
तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांतर रूथ प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांता वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायणु स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामों के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा।
हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप भी समांतर रूत प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों, रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों, इस मूवी के अंदर आपको समांतर रूत प्रभु, वर लक्ष्मी शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी के बजट की, तो दोस्तों, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की, तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समांता वरलक्ष्मी शरद कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायण स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था।
तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। दोस्तों अगर आप भी समांतर रूत प्रभु की मत चवेटन मूवी यशोदा को हिंदी भाषा में यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर से जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले यशोदा मूवी के बारे में। तो ये मूवी कौन सी और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। 11 नवंबर 2022 को रिलीज हुई रोमांस एक्शन मूवी यशोदा। इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को डायरेक्ट किया हरीश नारायण और हरीश शंकर ने, जो जाने पहचाने डायरेक्टर है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीविजन के चैनल पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 74% गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों रोटो टोमेटोज की तरफ से 69% फ्रेश भी बताया गया है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 69% रोटो टोमेटोज की तरफ से फ्रेश बताया गया है। बात करें इस मूवी की IMDB रीडिंग की, तो 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी को 10 में से 6.5 की दमदार रीडिंग मिली हुई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कर लीजिएगा। बात करें इस मूवी के मुख्य कलाकारों की, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आपको समांतर रूत प्रभु, वर लक्ष्मी, शरद कुमार, प्रीति असरानी, दिव्या श्रीपदा, मधुरी माँ आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ की, तो दोस्तों यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी 2 घंटे 15 मिनट के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए।
बात करें इस मूवी के बजट की तो दोस्तों इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, इस मूवी का बजट 30 से 40 करोड़ के करीब था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 32 से 50 करोड़ का कारोबार किया है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। बात करें इस मूवी की कहानी की तो यशोदा 2022 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म श्रीदेवी मूवीज के बैनर तले शिवा लेखक कृष्ण प्रसाद द्वारा निर्मित और हरी हरी हरीश की जोड़ी और निर्देशित समानता वरलक्ष्मी शरत कुमार और उन्नी मुकुंद और राव रमेश और मुरली शर्मा की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 11 नवंबर को तेलुगु तमिल कन्नड़ मलयालम हिंदी में रिलीज हुई थी। इसे 9 दिसंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज किया गया था। यशोदा की फिल्म की नियमित शूटिंग 6 दिसंबर 2021 को पूजा समारोह के साथ हुई है। फिल्म में 7 सितारा होटल के सेट का निर्माण 3 करोड़ रुपए की लागत से नानक राम गोलान के रामायणु स्टूडियो में 2 मंजिल पर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आपको एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय करना चाहिए। दोस्तों यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्लिप वाइज देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। और दोस्तों यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको टेलीग्रामो के चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर आप एक बार तो एंजॉय कर सकते हो। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यदि इस मूवी से जुड़ी कुछ भी लेटेस्ट खबर यूट्यूब पे आती है तो मैं आपको हमारे चैनल पर बता दूंगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ जरूर से जरूर बने रहिएगा और हमारे चैनल को शेयर और लाइक भी जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म पर भी देखने को मिल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को आप OTT के प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। दोस्तों यह मूवी आपको OTT के प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यह मूवी आपको प्राइम वीडियो के OTT प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को प्राइम वीडियो पर एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, यह मूवी आपको जरूर से जरूर पसंद भी आने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार इस मूवी को जरूर से जरूर एक बार तो एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले नए वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।